नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल देश की आवाज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। ये कहना कि कोई संविधान का एक्सपर्ट है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो अपने आप को संविधान का एक छात्र मानता हूँ अभी भी, और जितना मैं पढ़ता हूँ संविधान को, उसमें मैं ये मानता हूँ कि अगर ये भीमराव अंबेडकर जी इसके साथ जुड़े हुए ना होते और उनकी जगह कोई अगर हायर कास्ट का या एडवांस्ड होता कास्ट वाइज, तो जो सेफगार्ड्स इसमें रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, और उसको आगे लेकर जाता है आर्टिकल 15 और 16, वो शायद ना होते। क्योंकि आर्टिकल 14, अगर आप उसको सिर्फ अकेले आर्टिकल 14 को देखें, अनुच्छेद 14 को देखें, तो वो बोलता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। अब इसके अगर सिर्फ शब्दों में जाए तो पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि जैसे मछली को और चिड़िया को, दोनों को समान तौर पे कहा जाए कि भाई तोड़ के दिखा, वो समानता नहीं है इसके अंदर। जिस समानता को हम मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं इक्वालिटी, वो इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी इसमें अगर है तो वो समान लोगों के बीच में है। अगर आप असमान लोगों के बीच में इक्वालिटी लेकर के आएंगे, समानता लेकर के आएंगे, तो मेरी समझ में उससे ज्यादा बड़ा असमान व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। आप समानता लेकर के आते हैं दो समान लोगों के बीच में, जो इक्वली प्लेस्ड हैं, एक जैसा उनके पास संसाधन है, एक जैसा उनका ट्रीटमेंट आप तब देते हैं। आप मछली को मछली से कंपेयर करते हैं, चिड़िया को चिड़िया से कंपेयर करते हैं। इसीलिए हमारे पास वो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन, जो स्टेट लेगा, ताकि जिन लोगों को उनका इतिहास अगर आप देखें तो वो वंचित रहे, दबे कुचले रहे, उनको उन लोगों के साथ कंपेयर अगर करना पड़े कि जिनके पास सब कुछ था शुरू से, तो कम से कम कुछ उनको रियायत दी जाए, वो आपको मिलेंगे आर्टिकल 16 में और 15 में और 16 में, जिसमें के सरकार के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोट करने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए प्रोविजंस लेकर के आए। यही आता है आपका रिजर्वेशन। मैं आपके साथ एक बात शेयर ये करना चाहता था कि जो तीन तलाक वाला केस था, इसमें मैं जिस लेडी को तीन तलाक दी गई थी उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और जो बेंच उसको सुन रही थी उसमें 5 ऑनरेबल जजेस थे, जो कि वो 5 मेजर रिलीजन से लिए गए थे। उसके अंदर हमारे उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, जस्टिस कहर साहब, वो सिख थे, रोहिंगटन फली नारीमन साहब पारसी, जोसेफ साहब क्रिश्चियन, यूजुअल अली साहब हिंदू, और एक हमारे मुस्लिम जज थे। किसी ने नहीं कहा था कि वो बेंच ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर अलग अलग 5 मजहबों के जजेस हों। वो बेंच इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी ताकि न्याय सिर्फ हो नहीं, ये भी दिखे कि न्याय हुआ है, ताकि अगर किसी पक्ष के साथ न्यायपालिका जाए या उसके खिलाफ जाए, उसके पास कहने के लिए ये ना हो कि साहब मेरे मजहब को इन्होंने कंसीडर नहीं करा। इसलिए वो 5 जजेस उस बेंच में रखे गए।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। अब मेरे सामने सवाल ये आता है कि वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कि आपके रिजर्वेशन से मुतालिक हैं, उसकी बेंच में कभी ऐसा हुआ, कभी आपने देखा कि जस्टिस सिर्फ हुआ ना हो, दिखा भी हो कि हुआ है? ये सवाल आपको अपने से पूछना, उसका उत्तर भी आपको खुद से देखना। एक बात जो मैं आपसे और बोलना चाह रहा था वो ये कि मेरे सुनने में आया अभी कि एक और रिट कोई फाइल करी गई जिसमें कंट्रोवर्सी है मीना और मीणा के बीच में, या इस तरह के और भी केसेस जो कि आपके अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, क्या आप उसमें पार्टी बनने के लिए कभी आपने कोशिश करी है? आप खुद अपने अधिकार को अगर नहीं बताएंगे कोर्ट को या अपना पक्ष नहीं रखेंगे, उसके बाद अगर कोई जजमेंट आता है तो उसको आप फिर सालेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे अधिकार सही से डिसाइड नहीं हुए? इसलिए मैं आपको सिर्फ इतनी राय दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आपने बहुत सुन लिया, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी आपको बहुत सारे व्याख्यान मिल गए। मेरी तरफ से मैं छोटी सी राय ये दूंगा कि न्यायपालिका के सामने जो भी ऐसे मुद्दे जाते हैं जिनका ताल्लुक आपसे है, वो चाहे सामने हो या आगे आने वाला हो, उन मुद्दों में अपना पार्टिसिपेशन तो कीजिए, उसमें कम से कम एप्लीकेशन लगा करके एंट्री तो कीजिए। आप कहिए तो सही कि हमारा पक्ष ये है, हमारा सुनने के बाद न्यायपालिका डिसाइड करे जो भी करना है। आप लोगों ने काफी सुन लिया, बहुत सारे जो मुझसे पहले वक्ता आए उन्होंने काफी लंबा व्याख्यान दिया, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं आपके साथ हूं, जितना कुछ मुझसे बन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट लेवल पर उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये एक संस्था है जिसने इतने कम समय में आप लोगों को इतनी अच्छी तरह जोड़ा और इस एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करा है। जॉन एलिया एक मशहूर शायर हैं, उनके एक शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हक मांगना तोहीन है, हक छीन लिया जाए। मैं नहीं बोलूंगा छीनिए, मगर कम से कम मांगिए तो। अदालत में अगर कहीं पर कोई भी ऐसा केस है जिसमें प्रभाव पड़ सकता है आपके अधिकार पर, उसमें पार्टी तो बनिए। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ पॉलिटिक्स जहां तक लेकर जाएगी वो लेकर जाएगी, मगर न्यायपालिका वहां पर आप तो अपनी बात करिए। तो अपने हक को आप चाहे छीने ना, मगर उसके लिए खड़े तो हों। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, हमारी हक की बात आपने की और सहयोग देने की बात की, और इसी बात के साथ आपने सारू इशारों में समझा दिया, बदली है जमाने की हवा, बदली है जमाने की हवा, तुम भी बदल जाओ, हाथ आ नहीं सकता।